बीपी बहुत लो है अंकल, नर्व्स नहीं मिल रहा मेरे को। एक सेकंड ना दी, मैं आता है। सुन रुको। हरफूल, एम्बुलेंस से पूछो ना कितना टाइम लगेगा। हरफूल ने 7 साल के बाद सुशीला का बालक हो रहा है, अपनी लुगाई को बोल मार, बालक को हाथ लगा के उन्हें अपवित्र ना करे। और नहीं तो क्या, ये मोहिनी अगर उसका डिलीवरी करेगी तो इस गांव का कोई भी इंसान उस बालक का मुंह तक ना देखेगा। रे, ऐसी बातें करने से कुछ ना होने वाला, सब मिलकर इस गेट ना तोड़ दो। अरे मारे होते हुए कोई ना तोड़ पावेगा इस गेट ने। हमारे गांव को अपवित्र करने के लिए इस मद्रासन ने सबकता हमें सिखाना होगा। जाओ, खोलो खोलो गेट, खोलो, तोड़ दो गेट को, अंदर जाओ, मोहिनी को रखो। अर्बुल, अर्बुल क्यों रहा है? क्या कह रहा है वो? एम्बुलेंस वाला कितना टाइम लगेगा? और अरे जल्दी फोन करके पूछ उसे, फिर मैं देखूं। चाची, मेरे को वो कॉटन में तेल डाल के दो जल्दी। एक मिनट ना चाची, वेन भी मिल गया, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर देगा। चाची वो मेरे को वो आईवी लगा के दो जल्दी, इसको ऐसा ऐसा पकड़ के रखो। चाची हाथ मत हिलाना, हाथ ऐसे रखना, रुको। कोई नहीं, मारा भला ठीक तो होगा ना? रे जोड़ लगा के तोड़ो, सुशीला ने अपवित्र होने से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। भाई 15 मिनट लगेंगे एम्बुलेंस आने में। रे मोहिनी, एम्बुलेंस नहीं आने में 15 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो प्लीज उनको बोलो जल्दी है, मैं ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। अरे हार मारने की तो सोचना भी ना, इतना बात थारी और मारी इज्जत की ना है, बात सुशीला की जान और उसके बालक की जान की है। कौन है ये सुशीला? एक मामूली सी गरीब औरत, और एक मामूली औरत के लिए हरफूल की लुगाई को इतनी चिंता क्यों हो रही है? मन ने तो इस सब में वो मद्रासन केरला वाली की चाल लग रही से, वो सुशीला की जान बचा के पूरे गांव में हीरोइन बनना चाहे और हमें बनावेगी खलनायक। अरे वो क्या बनावेगी, असली खलनायक तो मैं हूँ। और वो भी इतना खतरनाक वाला खलनायक कि आज हरफूल की लुगाई को उसकी औकात दिखाने के लिए उस गरीब बालक को मरना पड़ेगा। जब बालक मरेगा तो सारा इल्जाम अपने आप मोहिनी पर आ जाएगा। बनवारी, एम्बुलेंस नखरौली गांव तक ना पहुंचनी चाहिए किसी भी हालत में। नहीं पहुंचेगी चोरी साहब। मोहिनी सब ठीक तो है ना? बहुत खून बह चुका है, बच्चे को बचाने के लिए खून देना बहुत जरूरी है। चीची मेरा बात सुनो, मेरे को जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। मेरे को नहीं पता। हट जा हरफूल, हमें जाने दे भीतर। आज उस मद्रासन ने सबक सिखाना होगा। तो मद्रासन छोरी अपवित्र कर देगी सुशीला और उसके बच्चे को। चीची तुम्हारा वो खून डॉक्टर वाले फाइल में होगा ना? फाइल किधर है, किधर रखा तुम फाइल? हमें जाने दे भीतर। एक कदम भी कोई आगे बढ़ा ना, ये औरत का लिहाज भूल जाऊं मैं। निकाल उस मद्रासन में बाहर। रे हुक्म का मैं किसी के बापू का ना मानूं, और मन ने भी पता चल ले कि मोहिनी को कोई कैसे हाथ लगावे आज। औरतों की प्रमुख को तो धमकी दे रहा है। चीची सब ठीक है, सब ठीक है। तो हरफूल ने 15 मिनट बोला था ना, तो अभी तो बस 5 मिनट ही बचा है। चीची 5 मिनट और, बस 5 मिनट। मोहिनी थारे को कैसे मालूम कि इसका खून और थारा खून एक जैसा है? मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं किसी को भी खून दे सकता हूँ, यूनिवर्सल ब्लड। मामी जी शारदा बोल रही हूँ, और फोन को ना किसी भी हाल तक ये खबर पहुंचा दो कि गांव में एम्बुलेंस को नहीं आ रही, वो चौधरी साहब ने गांव के बाहर रुकवा दी एम्बुलेंस। हरफूल साहब
मेरा फोन घर पे छो। हरफूल हट जा आज हमारे रास्ते से, वरना आज तू भी ना बचेगा हम सबसे। अरे भूल गई के, थारा वो मच्छर जैसा पति अस्पताल पहुंचाया था मैंने एक महीने पहले। अरे थारी धमकियों से हम ना डरने वाले, ये दूसरे गोत्र की छोरी हमारे गांव के घरों में ना घुस सके। अरे तू तो रहनी दे, मारे को ना सब मालूम से थारा भाई किशन दिल्ली किस छोरी के साथ भाग गया, उसका गोत्र भी पता मारे को, बता दो सबने। अलबूल हाँ भाई, एम्बुलेंस के रास्ते में गड्ढे कर दिए ने, ये कैसा होगी एम्बुलेंस, इतना कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी करना है नहीं नहीं करना होगा, इन लोगों ने यहाँ रुकने की कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। अरे तमसा बड़ोगा ने अभी भी लग गया ना कि मारा खून पवित्र से, उसने छूने थे तुम सब लोग भी आप पवित्र हो जावेंगे। हाँ लागे है। मारे अपवित्र खून थे, मन ने भी तो पता चले कि यो अपवित्र रेखा ने कौन पार करे है, और जो पार करेगा ना उसका मारी तरह हुक्का पानी बंद हो जावेगा और गांव वाले उसका बहिष्कार करेंगे, और मैं भी देखूं कौन छूवे इस अपवित्र रेखा ने। अरे थारे को तो कोई दिक्कत ना हो ना मारे थे, क्यों ले मारा पवित्र खून, फर्क ना पड़े है ना तन्ने। आदेश इधर आ भाई, एक काम कर तू ना यहाँ की वीडियो बना ताकि मारे पास सबूत हो कि मारे अपवित्र खून ने किसी ने छुआ सा है, ताकि पंचायत वाले इन सब का भी हुक्का पानी बंद कर सके। सही कह रहा था तू, ले फोन रख, एम्बुलेंस वाले तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है मैं देखूं। ठीक है। अरे मोहिनी तू चिंता ना कर, मैं कुछ ना कुछ करके एम्बुलेंस में लेके आता हूँ, जल्दी प्लीज। अरे संभल के, नखरौली गांव के भीतर जितनी भी सड़कें आ रहे हैं सबने खोद दो, किसी भी हालत में वो एम्बुलेंस गांव के भीतर ना आनी चाहिए, समझे। हे बड़े बाबा, सुशीला और उसके बालक के जान बचाने में अर्फूल और उसके लोग आए की मदद करिए, हिम्मत दिए उन्हें। हेलो हाँ भाई, एम्बुलेंस लेके आ रहा है ना तू इधर। अरे मारी बात ना ध्यान गिल छो, आगे जो सड़क है ना वो खुदी हुई है, तो वहाँ से ना सीधा यू टर्न लेके जंगल के रास्ते पे आ दियो। जा पानी लेके आ, इसने मैं देखूं। रे हर फूल को कह लग गया था इसके अपवित्र खून से बनी लक्ष्मण रेखा को हम हटा नहीं पाएंगे। भाई जिस रास्ते कच्चा रास्ता जाके मिलता है ना वो भी रास्ता बंद है, मरीज की हालत ना बहुत नाजुक है। एक और शॉर्टकट बताता हूँ तुमने, चौधरी की कोठी के पीछे आ जा, मैं तन्ने वही मिलता हूँ, वहां से लेकर चलूं तुम्हें। लो भूल गई है लक्ष्मण रेखा, अब किसी भी हालत में सुशीला का बालक उस मद्रासन के अपवित्र हाथों से ना होना चाहिए। मोहिनी के होया, मोहिनी बोल ना, हरफूल बस जल्दी एम्बुलेंस लेकर आ जाए। चीची जाओ दरवाजा, खोल खोल दरवाजा, ये मरने तो लगे ये दरवाजा भी तोड़ना पड़ेगा। तुम बस डीप ब्रेथ लो और कुछ मत करो। मोहिनी क्या हुआ, मोहिनी बोल सुष्टि को, ब्लीडिंग शुरू हो गया, अब हम क्या करेंगे मोहिनी।
मोहिनी घबराना में आ गया। अरे भाई तावड़ी कर, तावड़ी चल। अरे भाई जल्दी कर, माँ और बालक दोनों खतरे में से। रे बच्चे की रोने की आवाज तो आ रही ना से? सुशीला ये देख रहा है, जुत्ती भी मैं मारूं और लेने भी मैं जाऊं, लेके आओ। ये शारदा पानी लेके तो आ, देख ना सके। मार मार के थारा घर वाले का पसीना निकल गया है। तुम लोगों की वजह से वो लाडला एम्बुलेंस लेकर आ गया। इसका मतलब है कि वो पहले से जानता था कि मैंने एम्बुलेंस आने के लिए रोका है। आखिर ये बात उस तक पहुंची कैसे? अरे ये तो जिंदा ना है, वो भी छोरा नहीं छोरी थी। तुम बेवकूफों की वजह से वो सुशीला ने एम्बुलेंस में डाल कर ले जाएंगे, अब तो उसकी जान भी बच जाएगी। अरे मजा तो तब आता कि माँ और छोरी दोनों ही मर जाते, तब पता चलता वो मोहिनी ने इस गांव में औरतों की औकात ये हुए हैं। अरे इतनी मेहनत एक छोरी की जनने के लिए, अच्छा हुआ जो खुद ही मार गई। ले जाओ अब इसने कोई गांव के बाहर फेंकाओ। आज तो ये सुशीला की जिंदगी का सबसे काड़ा दिन है। एक तो ये मद्रासन ने इसे छूकर अपवित्र कर दिया, ऊपर से इसने जन्म तक छोरी। पानी के नसीब लेकर आई है ये सुशीला। अरे पिछले जन्म में ना सुशीला ने पाप किए होंगे जो छोरा नसीब ना हुआ। अरे दूध से लेके दहेज तक ना छोरी तो बस लेना ही जाने। तुम्हारा माँ बाप भी यही सोचा होता तो तुम भी डर नहीं होता। लड़की को अपना दुश्मन क्यों समझता है तुम, जबकि तुम खुद भी वही है, तुम्हारा अम्मा भी वही था। तुम खुद एक लड़की हो के एक दूसरा लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है?
अच्छा हुआ कि तुम इस दुनिया में नहीं आए, कि सब लोग तुमको जरा भी अप्रिशिएट नहीं करता। जब तुम्हारी अम्मा का तबीयत खराब होती और तुम उनका ध्यान रखता, उनका सेवा करता, पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, तब भी ये लोग तुमसे यही पूछता कि तुम कितना रोटी खाया। अच्छा का ओल्ड एज में जब तुम उनके लिए सहारा बनता ना, तब भी ये लोग यही कहता कि तुम अच्छा के कंधों पे बोझ। हो सकता था कि तुम पढ़ लिख के ये विलेज से बाहर जाके अपना नाम बनाता, लेकिन ये सब ऐसा नहीं होने देता कि तुम एक लड़की है, पूरा उम्र इसका हाथ से खाना खाता, लेकिन जब तुम गिरता ना तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता, कोई तुम्हें नहीं उठाता। कौन होते तुम लोग, कौन हो तुम लोग एक लड़की का बोझ बोलने वाले, जब तुम उसका बोझ उतारने का मौका ही नहीं देता। कैसे डिसाइड कर सकता तुम लोग कि कौन जिंदा रहे कौन मरे? अरे डाली के पानी में गेंदे के फूल बहाने से ना गंगा जल ना हो जावे। थारे ते भाषण से मारो घर जो अपवित्र हुआ है वो पवित्र हो जाएगा ना। इस सारे घर की धुलाई करनी पड़ेगी मारे को। ऊपर से छोरी के जन्मे से इस घर पे जो ग्रहण लगा है उसे भी हटाना पड़ेगा पंडित को भोज खिला के। जाते जाते भी ये छोरी खर्चा दे गई। ले जाओ अभी से इस घर के दलित से। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। और तुम, यही तुम्हारा थर्ड और फाइनल मिस्टेक, और यही मिस्टेक मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।